or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्री सीरीज, जिसका नाम है फ्री फायर। और आज हम लोग फ्री फायर खेलने वाले हैं। पता नहीं गाइस, मैं ही फ्री फायर क्यों खेल रहा हूँ, मेरे को फ्री फायर बिल्कुल नहीं पसंद है। बट आई डोंट नो मैंने ये गेम क्यों खेला, और ये मैं फ्री फायर में शायद थर्ड टाइम में खेल रहा हूँ। एंड चलो गाइस, एंड कांग्रेचुलेशन गाइस, अपना पबजी लॉन्च हो गया। फाइनली पबजी लॉन्च होने वाला है, बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, जैसे पबजी लॉन्च होगा मैं गारंटीड बोलता हूँ उसके नेक्स्ट डे ही उसके वीडियोज आ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्दी से जाकर लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें, ठोक दो ना सब्सक्राइब बटन पे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं गाइस, मैं सोचा कि पहले हम लोग क्या खेलूं। मैं टोटली कंफ्यूज था, मैं क्या खेलूं या ना खेलूं। बट मैंने सोचा कि क्या ही दिक्कत है गाइस, हम लोग मैं सोचा टीडीएम खेल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मैं यहां पर एक शॉटगन ले लिया, और शॉटगन लेते हुए मैं देखना कितना तगड़ा ही किल्स होने वाले हैं। मैं तो और मैं यहाँ पर मशरूम भी ले लिया, और गाइस क्या ही तगड़ा। गाइस मेरे पे कसम से मेरे पे रश हो रखा है, चार बंदे में तीन को इनको मारूंगा। मैं ट्राई करता हूँ गाइस। गाइस मेरे सारे टीम मेंबर कहाँ गए, एक दो तीन चार गाइस, चार दो जन थे हम लोग, बाकी दो जन कहाँ थे पता ही नहीं। और चारों के चारों बंदे मेरे पे रश कर दिया था। ये तो गाइस गारंटीड हम लोग ये वाला पहला हार गए। बट गाइस डोंट वरी, मैं दूसरा मैच तो हम लोग गारंटी, सेकंड राउंड हम लोग गारंटी जीते। इस बार हम लोग जल्दी से हम लोग वेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि वेस्ट से हमारा हम लोग मतलब सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो मैं ये पहला वेस्ट ले लिया, और ये मशरूम, अब तो मशरूम लेना ही बनता है गाइस, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं और चांस। तो गाइस जल्दी से जैसे स्टार्ट होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये चलो गाइस, ये हम लोग ये हमारा मैच शुरू हो चुका है। अब बाकी लोग उधर से जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे साइड से और लेफ्ट साइड से फ्लैंक करते हुए जाऊँ, ताकि क्योंकि वो लोग अगर उस साइड से अगर आगे साइड से करेंगे तो मेरे बाकी टीम मेंबर उनका अटेंशन ग्रैब कर लेंगे, और मैं पीछे साइड से जाकर धप्पा कर दूंगा। तो गाइज ये बहुत ही फन होने वाला है। बट मेरे को यहाँ से साइड से ही मेरे जस्ट बगल से आवाज आ रहा है, और ये बंदा सामने से इनको मारूंगा गाइज, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है गाइज। और यहाँ पर चार बंदे, चार बंदे मारो मारो जल्दी मारो, और ये आ गया गाइज मेरे, मैं बस रॉक्स 2-3 HP। ये गाइज मेरे से पंगा नहीं लेना गाइज, कभी भी मेरे से भी पंगा कभी मत लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं थोड़ा सा। मैं बार बार गन लेना भूल जा रहा हूँ। चलो मेरा किल क्लियर हो गया, मेरा तो हेल्थ भी नहीं है, ये बंदा बच गया। चलो गाइस मेरा क्लियर हो गया। यहाँ जितने भी बंदे जो होते हैं उनकी लूट से, तो मैं सारे लूट ले लेता हूँ, ताकि उनको जब वो लोग जाए तो उनको खरीदना पड़े। अगर मैं इन लोग का लूट अगर नहीं लूंगा तो ऑफकोर्स ये बात है उनको ये लूट दोबारा से मिलना है। तो लोग सारे लूट ले लेते हैं, जिससे उनको एक भी लूट ना मिले, उनको फिर से बाय करना पड़े। और ये सारा सामान हमारे पास होगा, हम लोग तो इसे बाद में रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सारा मैंने उठा लिया है यहाँ से, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और गाइस मैं बहुत देर से इस बंदे को हम लोग ढूंढ रहे थे, मैं बहुत देर से, तकरीबन 2-5 मिनट हो चुका है। बट पता नहीं कहाँ से एक बंदा आया, मैं हील कर लेता हूँ, ऊपर से अचानक से एक बंदे ने मार दिया गाइस। अब वो ऐसे भी नहीं बचेगा, वैसे भी उसका ये गाइस। चलो पहला सीरीज पहला राउंड तो निकाल लिया, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है उसने उसका वो जोन में नहीं था, हम लोग जोन के फेवर में तो हम लोग बच गए। और वो बंदा लिटरली सेकंड बंदा जो है बहुत लिटरली बहुत अच्छा खेल रहा है। तो चलिए गाइस, इस बार हम लोग वेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, और वेस्ट अपना रिपेयर कर लेता है। मुझे ये, मेरे को पता नहीं मैं ये बार बार ले क्यों रहा, मुझे ये किट रिपेयर किट से मेरे को सब कुछ रिपेयर कर देना चाहिए, बट मैं बार बार इसे बाय कर रहा हूँ। मेरे को लिटरली मेरे को गन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट कोई नहीं। और गाइस ये वाला मैच देखना, ये वाला गाइस बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वाले में मैं जो हम लोग रश करने वाले हैं वो तो देख के आप लोग दंग ही रह जाओगे। मैं आप इस वाले गेम प्ले में तो सारा रश गेम प्ले खेलूंगा, बट यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ कि मुझे आगे की तरफ एक बंदा आते हुए मुझे दिखा था, शायद ही मेरे को दिखा था, मेरे को साउंड आया था मेरे बोला और ये तो गया गाइस। बट मैं सोच रहा हूँ इस साइड से घूम करके जाऊँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने बोला था पीछे से जाके हम लोग धप्पा करेंगे, तो ऑफकोर्स ये बात है। देखो अब हम लोग इस साइड से तो नहीं गए, बट आगे साइड से जाते हैं। अब मैं यहाँ ये क्या, मैं जितनी देर में घूम करके आया उतनी देर में मेरे बंदों ने, मेरे मतलब चाबास बंदों ने जा करके सबको मार दिया, तो सही गा। तो ये तो फ्री फोकट में मैंने कुछ किया भी नहीं, और सेकंड राउंड में जीत गए। तो इस वाले राउंड में तो मैं गारंटीड से मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चलो इस बार मैं अपना सारा हेल्थ बढ़ा देता हूँ, कि जितना हो सके हेल्थ बढ़ा लेते हैं। और मैंने ये वॉल तो ले लिया है, ग्लू वॉल तो ले लिया है मैंने, अब बस वेट करना है जल्दी से, जैसे ये लॉक खुल जाएगा हम लोग आगे। चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते जाके सबसे पहले रश करता हूँ। और सामने से मुझे एक बंदा आते हुए दिख गया है गाइस, बंदे अरे ये कहाँ से मेरे को मार रहा है, मेरे को बंदा एक भी बंदा मेरे को बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। और ये छत पे है बंदा, इसे मार देता हूँ मैं। और एक बंदा क्लियर हो गया, दूसरा बंदा है, बट वो पता नहीं क्या चीज से मार रहा, मुझे लग रहा है वो स्नाइपर यूज कर रहा है, बट वो
मैं इतना हिल रहा हूँ कि उसे पता भी नहीं चल पा रहा, वो मुझे लग रहा है रिवाइव कर रहा हूँ। देखो उसने ग्लू बॉल यूज किया है तो रिवाइव हो सकता है, बट सारे हमारे मैं अकेले जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, इतना गारंटीड है। तो मैं पीछे चल जाता हूँ, वहाँ से कवर लेके आते हैं क्योंकि सारे बंदे हैं जितने भी, लेकिन वो बंदा को अपना मौत नजर आ रहा है क्योंकि उसने दोनों बंदे रेडी हो गए, दोनों बंदे साइड साइड से मार रहे हैं। लेकिन देखो अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत करो, वही बंदा जो मेरे को अभी मार रहा था, वही बंदा साइड से, जो बंदा मेरे को मार रहा था वो साइड से इधर साइड से आया। ओ गाइस ये बंदा लिटरली सच बहुत तगड़ा खेल रहा है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तगड़ा प्लेयर हो उसने। मैं ट्री से कवर ले लिया हूँ गाइस, प्लीज रिवाइव कर दो मेरे को, प्लीज प्लीज प्लीज। वो बंदा स्नाइपर यूज कर रहा है, क्या ही कर रहा है यार, मेरे को रिवाइव तो करके जा, क्या कर रहा है वो भाई, प्लीज मेरे को रिवाइव कर दे भाई, भाई तू भाई है मेरा, रिवाइव कर दे यार प्लीज। चलो गाइस इसने फाइनली रिवाइव कर दिया हमें, पहले मैं जल्दी से मैं यहाँ पर ग्लू बॉल लगा लेता हूँ, नहीं पहले पता चला ग्लू बॉल लगा यार यहाँ पर हम लोग को थप्पा हो गया हम लोग के ऊपर ही, पहले मैं हील कर लिया हूँ, अब ग्लू बॉल आप लगाते हैं, आप देखते हैं। वो बंदा वो सामने है बट वो हमें देख नहीं सकता क्योंकि ग्लू बॉल ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर हमारे लगा हुआ है। तो अब हम करेंगे, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इनको। चलो गाइस विक्ट्री हो गया, ये राउंड तुम लोग जीत गए क्योंकि आपका भाई प्रो। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें ये जितने भी रॉयल पास खरीदने वगैरह होते हैं हम कुछ नहीं, मैं तीसरा बार लिटरली गाइस मैं तीसरा बार ये गेम खेल रहा हूँ, बट आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस इस बार मैंने जितना भी ग्लू बॉल जितना भी हमारे यूज कर लिया था तो वो सारे ले लेता हूँ, अपने हेल्थ अपग्रेड कर लिया, फुल अप कर लिया अब, और ये वाला लेवल में तो हम लोग फुल्ली अपग्रेडेड है। चलिए गाइस मैं इस बार मैं सोच रहा हूँ कि टीम के साथ ही रहूँ क्योंकि हर बार मैं उल्टा साइड से जाता था, तो इस बार किल नहीं मिला, लेकिन बट मैं सोच रहा हूँ इस बार किल तो जरूर से लेंगे किल। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोग घर के अंदर है बट अभी तक किसी का गोली चलाने का डर आया, आवाज तो नहीं आया है। वो गाइस वो लोग भी डर चुके हैं क्योंकि उनको भी पता है वो लोग जीतने वाले हैं नहीं, और एक बंदा शायद नॉक डाउन होने वाला बहुत जल्दी। ये सामने से बंदा आ रहा है और ये गया बंदा, गाइज मैंने इसको इतना सारा गोली मार दिया स्किल नहीं मारा, हम लोग स्कोप यूज करके मारेंगे इसे, 2x स्कोप तो हमारे पास ऑलरेडी है। और ये गाइज वो बंदा तो मर गया बट दूसरा बंदा जो है वो पीछे की साइड है, तो पहले हम लोग इसे रिवाइव तो बाद में करेंगे, अगर हम लोग रिवाइव करेंगे तो हम लोग ऑफकोर्स ही बात है मर जाएंगे, तो पहले रिवाइव तो बाद में पहले। चलो गाइज ये क्लियर हो गया, एक और बंदा सामने से, ओ गाइज इसके पास शॉटगन है, और ये इसे कौन मारा, मैंने तो इसे गोली भी नहीं लगा और ये मर गया। और चलो गाइज ये मिल चुका है, और गाइज मैं अभी गाइज आपका ब्रो प्रो प्लेयर है, बुया तो गारंटीड था। चलिए गाइज हम लोग अभी जीत चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं अपना हमारा किल्स कितना है, हमारा सिर्फ 4 ही किल्स है, इतना सारा डैमेज नहीं करो गाइज, मेरा लिटरली मेरा किल चुराया गया। चलिए गाइज हम लोग एक ये बरमूडा में हम लोग एक क्लासिक मैच खेल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर टीडीएम में तो अच्छा खेल ही गए तो एक क्लासिक लगा के देखते हैं। और गाइज आपको बिल्कुल भी पता नहीं है गाइज इस वीडियो में, मतलब इस वाले गेम प्ले में मैं तो बंदे को क्या कूटूंगा, सभी बंदे को रश गेम प्ले होने वाला है, धप्पा करेंगे सीधे जाकर। तो मैं यहाँ पर ये कोई भी रैंडम से जगह मतलब एक साइड में मैंने उतर गया हूँ, मैं देखा नहीं कि कौन सा जगह, बस मैं सीधे उतर गया, मुझे तो बहुत सारे मैप भी मेरे को यहाँ पता नहीं है, बट देखते हैं गाइस जितना जल्दी हम लोग नीचे उतरेंगे उतना जल्दी हम लोग को गन मिलेगा। मुझे सबसे पहले उतरना है ताकि मेरे को सबसे जल्दी गन मिल चुके, और हमारे अगल बगल में तो कोई बंदे भी नहीं आ रहे, तो हम लोग को हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि हम लोग को गन सबसे जल्दी मिलेगा। तो चलिए गाइस आते ही हमें बैग मिल चुका है, और देखते हैं आगे मुझे कुछ मिल रहा है, और ये गाइस शॉटगन हमें मिल गया, तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये शॉटगन के एमोज मिल गए, तो गाइस जो भी आएगा सारे एमोज उठा लेते जाएगा, जो भी बंदा आएगा एक बार में नॉकआउट होने वाला है। ये हमने हेलमेट मिल गया, चलिए गाइस हमारा लक अच्छा है गाइस, या तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा हूं या फिर मेरा लक बहुत अच्छा है। गाइस मुझे यहाँ पर एक टोकन दिख रहा था, टोकन से हम लोग शायद कुछ खरीद लेते हैं। चलिए गाइस तो मैं सबसे पहले क्या कर दूं, मैं AKM कर दूं या स्कैरल कर दूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ये UAV किट खरीद लेता हूं। ये थोड़ा बहुत गाइस आपको नहीं लग रहा COD के जैसा, COD में भी ऐसी कुछ था UAV, बट चलो गाइस मैंने एक स्कारल खरीद लिया है, तो स्कारल मेरे सबसे पबजी में तो बहुत तगड़ा गन था, तो मैं स्कारल ले लेता हूँ, ले लिया हूँ। और ये गाइस मेरे को मशरूम मिल गया, तो हम लोग इसे खा लेते हैं। ओ भाई रुक जा, ठहर जा, खा ले पहले। तो गाइस हम लोग मशरूम खा ले रहे, इससे हमारा
हेल्थ का जो मतलब हेल्थ डाउन होने का पावर जो होता है वो धीरे धीरे डाउन होता है, इसके कारण हम लोग मतलब हेल्थ के लेवल से भी हम लोग प्राप्त हैं। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, पहले आगे तरफ देखते कोई बंदा मिल रहा है या नहीं। ऊपर की तरफ मेरे को कोई मतलब ये और ये कौन मार रहा है गाइस, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। मैं दौड़ते दौड़ते आ रहा था, मैं मैप में एक थोड़ा सा क्या देखा, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला अचानक से बंदा कहाँ से आ गया। मुझे लग रहा है इस घर के अंदर है गाइस, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा वो बंदा कहाँ पर है। एक बार दिख जाए तो गुत्थी में एक रैपटा मारूंगा, उसके पता भी नहीं चलेगा उसको। और ये बंदा दिख गया मेरे को, अब तो ये बचेगा नहीं गाइस, भागता है छोड़ना ही नहीं है गया। ये तो टोटल क्लियर ही हो गया, इतना लो लेवल था इसका। और ये एक सामने बंदा एक है, ये क्या कर रहा है, लगता है गाइस ये एफके था, पता नहीं मुझे तो लग रहा है ये एफके था। और गाइस मैं यहाँ पर लगातार पहले जल्दी से लूट के हम लोग लेट करके सारे लूट ले लेते हैं। गाइस कितने बंदा ये लूट करके एफके हो गया गाइस, हमारा या तो मेरा लक अच्छा है या फिर गेम में सारे नूब आ गए, या फिर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है गेम में बहुत। सारे बंदे मतलब लूट ले लेकर के एफके खड़े हो जाए तो मेरा मजा ही आ जाएगा। और ये गाइस एक बच्चे को एक और प्लेयर को मैंने क्लियर कर दिया। और ये गाइस लो था, ओहो एक गेम में सीधे दो शॉट में, एक गेम के दो शॉट में बंदा क्लियर हो गया। और ये गाइस मुझे क्या दिख रहा है सामने, शायद नहीं, सामने कोई बंदा नहीं था। तो चलिए गाइस मैं आगे बढ़ता जोन की तरफ, जोन में तो हुई शायद मैं, बट जोन की तरफ और अंदर आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते ये मेरे को लूट मिल गया है यहाँ पर। एक मैंने इस अभी जस्ट मैंने एक बंदा मारा था तो उसका लूट लेना मैं भूल गया था, तो मैं वापस आया घूम करके एक लूट लेने के लिए। चलिए गाइस तो मैं जोन के अंदर तो ऑलरेडी हूँ, तो थोड़ा सा और सेंटर में आ जाए ताकि जोन में मैं बचा रहूँ, बाद में मेरे को दिक्कत ना हो जोन का। और सामने मेरे को, सामने शायद मेरे को एक बंदा दिख गया। और वो गाइस मेरे पास 2x होना चाहिए था या 4x होना चाहिए था, बट इसका एक फायदा बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ मेरे को। वो बंदा छुप गया है जाकर के लिटरली गाइस, वो तो अब हीलो क्या आ जाएगा। सामने दो बंदे लड़ रहे हैं तो मैं उसको फायदा उठा लेता हूँ, तो मार देता हूँ फटाफट, पता नहीं क्या ही हो। और ये गाइस मैंने टोटली उनको क्लियर ही कर दिया। और दूसरा बंदा जिसके साथ वो लड़ रहा था वो तो मुझे नहीं दिखा, एक ही बंदा दिखा है, बट कोई दिक्कत नहीं। पीछे से कौन बंदा आ रहा है, कोई तो बंदा आ रहा है गाइस, बहुत ही गंदा मेरा हाइट रेट। अरे अच्छा चाहिए सामने बंदा ये रहा, जो उसे मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन एक और बंदा कहाँ ही था, वो बंदा नहीं, इतना जल्दी वो नहीं मर सकता, वो कहीं ना कहीं तो एक और बंदा है, क्योंकि वो अकेला बंदा तो नहीं था, मैंने उसे वहां पर देखा था, ये दूसरा ही बंदा था गाइस, वो जो मैंने जिससे मारा था वो दूसरा बंदा है। चलिए जल्दी से जाकर के हम लोग पहले लूट लेते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा होगा तो ऑफकोर्स मेरे को मारेगा, तो मैं पहले फटाफट लूट ले जाता हूँ। मेरा गन एमो मेरे पास AR एमो बहुत कम हो गया। गाइस जी कौन मार रहा है, भागो भागो भागो, लूट तो बाद में ले लिया जाएगा, पहले भागता हूँ जल्दी से कम कवर तो ले लूँ मैं। मेरे को पता भी नहीं चला, मैं मैप में देख भी नहीं पाया कहाँ से यह आदमी मार रहा। गाइस लिटरली उसके पास स्नाइपर है वो, गाइस लिटरली वो मेरे पीछे कहीं ही कहीं है मेरे पास, वो मेरे को स्नाइप कर रहा है बहुत गंदा टाइप से, क्योंकि उसका ना आवाज आ रहा है गन चलने का, ना मेरे को उसके पैर की आवाज आ रहा है, किसी का तो आवाज आ रहा है गाइस मुझे को लेफ्ट। हाँ गाइस लिटरली मैं बोला था ना लेफ्ट लेफ्ट साइड में मेरे को आवाज आ रहा था, बंदा क्या ही बंदा है, मर क्यों नहीं रहा ये, मैंने इतने सारे गोली मार दिया अभी तक मरा नहीं है। चलिए गाइस हमारे पास इनफ लूट हो चुका है, हमारे पास मेडिकेट भी तो है, हमारा पूरा हेल्थ भी अप है, बस बीच में एक दो मशरूम मिल जाता तो गाइस मजा ही आ जाता। चलिए गाइस पहले हम लोग हल्का सा थोड़ा सा हमारा हेल्थ गया है तो हम लोग हील कर लेते हैं। और ये गाइस हमारे ऊपर डेंजर जोन बन चुका है तो भाग जल्दी से भागना होगा, पता चला हमें बिना मतलब का हम लोग इतना सारे किल किया और डेंजर जोन हमारा चल गया। अभी तक गाइस हमारा 5 किल हो गया मतलब। और ये बंदा सामने मुझे दिख रहा है, ये क्या मेरे को बात करते हैं, तो मेरे को पता भी नहीं चला कि सामने एक बंदा भी था, मैंने मार भी दिया उसे। तो चलिए गाइस मजा ही आ गया, इसके पास भी इनफ लूट है, इसके पास AR है वो तो बहुत सारे है, मेडिकेट भाई साहब इतना सारा मेडिकेट लेके क्या ही करेगा तू, मर ही गया अब तेरा मेडिकेट का फायदा नहीं रहा। ये डेंजर जोन था बाहर, पहले डेंजर जोन पहले खत्म हो फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। तो चलिए गाइस डेंजर जोन खत्म हो चुका है तो हम लोग अब आगे की तरफ फ्लैंक करते हैं। और हमारे पीछे जोन जस्ट हमारे हम लोग जोन बॉर्डर पे ही है, लगभग लगभग जोन आया तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे गाइस, तो जल्दी से मैं भागता हूँ आगे की तरफ बढ़ते हैं।
और ये लाइफ में इतना शांति से आगे बढ़ रहा था, बट किसी की मौत उसे बुला लिया, तो मैं बिल्कुल उससे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे ये मुझे लगा है किसी और को गोली चला रहा था, बट ये मुझे ही गोली चला था। एक भी गोली उसका मेरे पास मेरे से मैच नहीं किया, एक गोली टच नहीं कर पाया। क्या गुंडा बने करे तू। मैं थोड़ा घूम घूम के थोड़ा सा उछल उछल के मैं लड़ लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहीं से, क्योंकि मैं पूरा ओपन एरिया में मैं लूट कर रहा था, थोड़ा सा सांप बन जाता हूँ ताकि थोड़ा सा हील कर लेते हैं गाइस। तो चलिए मैंने हील तो कर लिया है, बट अगर कोई स्नाइपर बंदा मिल गया, स्नाइप करते हुए मिल गया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वो सामने एक बंदा आ रहा है, उसे तो छोड़ना ही नहीं गाइस। ये एम पे पूरा बैठ गया और गाइस उसे तो नहीं छोड़ना पूरा गाइस। इतना रिकॉइल कर रहा है गाइस, पर चलो फाइनली मैंने अपना पूरा क्लियर ही कर दिया। मैं सोचा कि वो नॉकडाउन होगा, बट वो तो पूरा क्लियर ही हो गया। मेरा किल सेफ रहा, क्योंकि लास्ट वाले टीडीएम मैच में आपने देखा ही था, मैंने इतने सारे किल किए बट मेरे किल चोरी हुए थे गाइस, बहुत सारे। और मेरे को सामने एक बंदा मेरे को दिखा, बट अब भी दिखाता वो मेरे को, बट कहाँ चला गया पता नहीं। और मेरे को गाइस गोली भी लेना चाहगा नहीं, बहुत इनफ गोली इनफ एमो है हमारे पास, हमें जरूरत नहीं। और ये साइज धीरे धीरे कैसे भाग रहा हूँ, मुझे लगा उसे लगा कि उसे कोई देख ही नहीं रहा, बट गाइस बंदा इतना तगड़ा खेल रहा है। AKM के गोली इतने सारे उसे पड़ गए गाइस, वो एक जगह टिक ही नहीं रहा, भाग रहा है इधर उधर। गाइस ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी प्लेयर है, स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी प्लेयर है गाइस, भाग ही रहा है एक जगह टिक ही नहीं रहा है गाइस ये। गाइस मैं पूरे ओपन एरिया हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या ही होने वाला है, तो पहले मैं फटाफट लूट ले लेता हूँ गन। अगर लक अच्छा रहा तो हम लोग बच के चलो गाइस, हम लोग बच तो गए, तो हमारे पास इनफ लूट तो मेरा बैग पूरा फुल हो रखा है। और ये मेरे गाइस मैंने देखा भी नहीं, और जोन कहीं हम लोग जोन सही नहीं मर जाए, और पता नहीं इतना, और ये इतने गंदे कंट्रोल से मेरे से कंट्रोल भी नहीं हो रहा। मैं बार बार मेडिकेट दबा रहा, मेडिकेट दब ही नहीं रहा। जल्दी पहले हम लोग भाग लेते हैं, मेडिकेट भी चलो भाड़ अच्छा ही नहीं दब रहा है मेडिकेट। ये क्या दब गया गाइस, ये इतना घटिया, अरे यार मैंने खबका लिया था, इतना घटिया पिंग चल रहा मेरा गाइस। नहीं गाइस लिटरली इतना अच्छा मेरा था, मैं पूरा फुल हेल्थ था, ये तो आधा हेल्थ था फिर भी बच गया गाइस। गाइस मेरा लक ही खराब था यार, क्या ही फायदा। फोर्थ नंबर हम लोग जीते, ऑलमोस्ट जीत रखे थे गाइस हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सो आज के लिए बस इतना, अगर आप चाहते हैं और मेरे ऐसे और भी वीडियोस लेकर आए, तो जल्दी से जल्दी जाकर लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे दिए गए लिंक से मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और गाइस क्या कर रहे हो आप लोग गाइस, बिल्कुल भी मतलब मीन्स 30% लोग ही, मतलब 13% लोग ही मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हैं गाइस। जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो, सिर्फ इस बार का गोल है 250 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो गाइस जल्दी से जाकर के उसे फॉलो कर दो हमें। और अच्छा हुआ गाइस आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।